नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं एबीसी से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हमारे टॉपिक होगा इसमें सीपीयू एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इनपुट होता है और जो प्रोसेस होता है, इनपुट के बाद में प्रोसेस होता है, वो सीपीयू के अंदर होता है, उसके बाद में आउटपुट आता है आपके। सीपीयू कंप्यूटर पर होने वाली समस्त गणनाओं और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सीपीयू की स्पीड को हर्ट्ज HZ से मापा जाता है, जो कि C1 HZ यानी गीगा हर्ट्ज होगी, GHZ यानी गीगा हर्ट्ज। उसके आगे देखिए, 1 हर्ट्ज इक्वल टू होगा 10^9, 10^9 होगा 1 हर्ट्ज के बराबर, और 3 गीगा हर्ट्ज बराबर होगा 3×10^9। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं, वो कौन से होते हैं वो भी देखिए। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ALU। ALU की फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंक गणित या तार्किक इकाई। दूसरा हो गया CU यानी कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। तीसरा हो गया MU यानी मेमोरी यूनिट यानी स्मृति इकाई। ये इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है सीपीयू का। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है इनपुट के बाद में सीपीयू के अंदर ये प्रोसेस होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, उसके बाद में आउटपुट देता है। सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये क्या होती है? ये होता है अंक गणितीय तार्किक इकाई, हिंदी में हो गया इसका नाम। कंप्यूटर पर होने वाली अंक गणितीय गणना, जैसे कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड यानी जोड़ घटाव गुणा और भाग आदि ALU में होती हैं। कंप्यूटर पर तार्किक गणना यानी तुलनात्मक गणना, बराबर नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन को ALU के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की क्या होता है? कंट्रोल यूनिट में होता है निर्देशों को नियंत्रित व्यवस्थित करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। डाटा को लिखने पढ़ने योग्य कार्य CU के द्वारा किया जाता है, यानी डाटा को लिखने और पढ़ने योग्य के बनाने के लिए कंट्रोल यूनिट कार्य करता है। थर्ड नंबर पर है मेमोरी यूनिट यानी स्मृति इकाई। यह अस्थायी मेमोरी है जिसके द्वारा डाटा परिणाम को स्टोर किया जाता है। डाटा और जो भी परिणाम आता है उसको स्टोर करते हैं मेमोरी में। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग नहीं है। मेमोरी यूनिट जो मेन मेमोरी होती है उसका भाग नहीं होती है। नेक्स्ट आता है सीपीयू से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। सबसे पहला शब्द है इंस्ट्रक्शन सेट यानी निर्देशों का समूह। निर्देशों का वह समूह या निर्देश जो कंप्यूटर पर गणना या प्रक्रिया करने में मुख्य भूमिका अदा करता है, वो होता है निर्देशों का समूह, जैसे प्लस माइनस और स्टार का मतलब हो गया गुणा। ये सभी क्या हो गए? इंस्ट्रक्शन सेट हो गई। नंबर दूसरा शब्द आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसमें कौन से शब्द आते हैं? इसमें 3 शब्द आते हैं, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन। ये 3 शब्द आते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल में। नेक्स्ट तीसरा हमारा शब्द है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर सीपीयू की स्वयं की मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं। सीपीयू की खुद की जो मेमोरी होती है उसे रजिस्टर कहते हैं। अस्थायी मेमोरी होती है, ये स्थायी नहीं होती है। इसमें देखिए MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये रजिस्टर के प्रकार है। तो MAR हो गया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक्टिव मेमोरी एड्रेस लोकेशन के आधार पर होती है ये। दूसरी होती है MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। इसमें डाटा कंटेंट या इंस्ट्रक्शन को जिस मेमोरी रजिस्टर में रखा गया है उसे MBR बोलते हैं। थर्ड हो गई हमारी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, यानी अगले निर्देश को स्टोर करता है जो, उसे बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। चौथी मेमोरी होगी एक्यूमुलेटर रजिस्टर। चौथा रजिस्टर हो गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डाटा या परिणामों को स्टोर ये भी करता है। और पांचवा रजिस्टर हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन के कंटेंट को स्टोर किया जाता है इसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में।
और छठा है इनपुट या आउटपुट रजिस्टर। इनपुट या आउटपुट संबंधित संप्रेषण को स्टोर करता है ये रजिस्टर। ये तीसरी शब्द हो गया रजिस्टर। अब नेक्स्ट देखिए सीपीयू की हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी सीपीयू की एक्सटर्नल डिवाइस कौन सी होती है। माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, ये सभी क्या होती है, सीपीयू की एक्सटर्नल डिवाइस होती है। सीपीयू की एक्सटर्नल डिवाइस होती है। तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर पर बात करेंगे। तो यह सीपीयू वह कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग की जाती है वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा की जाती है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ड्यूल कोर, कोर टू डियो, i3, i5, i7, i9 ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और पेंटियम 1, 2, 3 एंड 4। भारत में सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलोर को जाना जाता है। विश्व में सिलिकॉन वैली के रूप में कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में है उसको जाना जाता है। IC का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड यानी IC को किल्बी और नोयस ने बनाया। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004। और माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, इंटेल एंड मोटरोला, इंटेल, AMD और मोटरोला, ये तीन जो कंपनियां हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। कोर, कार्य करने की गति को कोर बोलते हैं। जैसे इसमें आया था ड्यूल कोर। सेकंड इसमें आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, यह प्लास्टिक का एक बोर्ड होता है। मदरबोर्ड पर कई सारे सर्किट यानी परिपथ बने होते हैं जिसे PCB भी कहा जाता है। PCB का फुल फॉर्म होगी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड के अन्य नाम हो गए मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड का कार्य क्या है, CPU पर उपस्थित सभी डिवाइस को या कंप्यूटर पर उपस्थित सभी डिवाइस को आपस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। कंप्यूटर या CPU में डिवाइस के मध्य संप्रेषण का यह कार्य करता है मदरबोर्ड। थर्ड नंबर पे आ गई हमारी मेमोरी। मेमोरी यानी स्मृति। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार की आती है, रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आती है हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले रैम पर बात करेंगे। रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी होती है, डाटा को अस्थाई स्टोर किया जाता है इसमें, रीड राइट एंड एडिट का इसमें कर सकते हैं, और वॉलेटाइल मेमोरी है ये। ये होगी रैम। और रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्राइमरी मेमोरी है। यह कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के समय डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर इसमें किया जाता है, और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। चौथी आ गई हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब हो गया कंप्यूटर पर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। यह सेकेंडरी मेमोरी होती है या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। SMPS स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। CPU में सबसे पहले पावर सप्लाई करता है। SMPS एक स्विच होता है जो कि CPU में सबसे पहले पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट अपना 6 नंबर पे आ गया BIOS यानी बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। फर्मवेयर ये हो गया 7वां नंबर पे। 8वां नंबर पे हो गया पोर्ट। CPU का वह स्थान जिस पर बाहरी डिवाइस को जोड़ा जाता है वो पोर्ट कहलाता है। टाइप्स ऑफ पोर्ट यानी सीरीज पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, और USB पोर्ट हो गया। USB पोर्ट में देखिए यूनिवर्सल बेरियल बस होता है और पेन ड्राइव इसमें लग सकती है। ये सभी क्या USB पोर्ट होते हैं। अब CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह एक बैटरी होती है CMOS। UPS यानी एक्सटर्नल डिवाइस होती है UPS। पावर सप्लाई को कुछ समय के लिए कंप्यूटर पर देता है UPS। UPS की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनियन ट्रप टेबल पावर सप्लाई। और
11 नंबर पे आ गया अपना फ़ैन, जो कि सीपीयू से गर्म हवा को बाहर निकालता है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि सीपीयू इसमें कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में अपन करेंगे सॉफ्टवेयर, जो कि टॉपिक इसका 4 है। धन्यवाद।